अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम रिजवान एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर हूँ एक वीडियो के साथ। आज हम एक मशवरा भी देंगे और दवाई के बारे में बताएंगे कि आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं, जैसे आपके गुर्दे में दर्द है और ज़्यादा दर्द रहता है तो आपने दवाई खा ली, रुक गया और फिर वो होने लगा, फिर महीना भर के बाद होने लगा, तो आप दवाई नहीं खाएं। आप पहले उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएं, उसके बाद में ही आप दवा का इस्तेमाल करें। ये हम आपको मशवरा दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके गुर्दे पे सूजन हो सकता है किसी नस की वजह से हो रहा हो दर्द, हो सकता है पथरी हो, तो आप पहले दवाई जब ही इस्तेमाल करें जब उसको आप अल्ट्रासाउंड वगैरह करा लें, फिर डॉक्टर साहब के पास जाएं कि हमारे ये प्रॉब्लम है हमें, फिर उसका दवाई का इस्तेमाल करें। फिर डॉक्टर साहब के पास जब जाएंगे तो वो बताएंगे कि ये दवाई काम करेगी, उसी के आधार पर आप इलाज करें। ऐसा भी आपने कोई भी दवाई खाते रहे तो आपकी किडनियों पे असर पड़ता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मशवरा ये दे रहा हूँ कि आप जो है पहले अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएं, क्योंकि सूजन भी आ जाता है और पथरी भी हो सकती है, कोई नस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो आप पहले अल्ट्रासाउंड कराएं उसके बाद में इलाज कराएं। ऐसे अचानक से आप दवाई गुर्दे के मामले में नहीं खाएं, किडनी का मामला होता है, तो इस वजह से मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ। और बस आपसे यही कहना था, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। हमने और भी दवाइयाँ डाल रखी हैं अपने चैनल पर, आप सर्च करेंगे तो आपको दवाई के बारे में मिल जाएगी, सारी वीडियो हमने डाल रखी है दवाई के बारे में। तो आप जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।